वेलकम बैक गाइस, मैं अश्विनी सिंह एक बार फिर से आज आप लोगों के बीच एक वीडियो लेके आया हूँ। आज हम अपने गांव में हैं और यहाँ लोगों से मिलेंगे और उनका आईक्यू टेस्ट करेंगे। आप लोगों से तीन सवाल मैं पूछ रहा हूँ, तीनों के सही सही जवाब देने हैं आपको, ठीक है। पहला सवाल है, शर्मा जी की मुर्गी ने गुप्ता जी के बगीचे में अंडा दिया, तो अंडा किसका हुआ? शर्मा जी की मुर्गी तो शर्मा जी का ही ना होना चाहिए, भले ही दूसरे के घर में अंडा दिया हो। नहीं, अंडा उसका हो गया, गुप्ता जी का हो गया, उसके घर में दे दिया। गुप्ता जी का। गुप्ता जी का कैसे? गुप्ता जी का हुआ क्योंकि तो उसके बगीचे में दिया। गुप्ता जी का कैसे? बगीचा जिनका होगा। अच्छा, बात सही है। किसका हुआ? गुप्ता जी का। वो तो जिसके खेत में अंडा दिया उसी का हुआ। मेरा जो बोल दिया वही होगा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। मुर्गी का गुप्ता जी का। उसका हुआ। आपका हुआ? मुर्गी का हुआ। शर्मा जी का। शर्मा जी की मुर्गी ने गुप्ता जी के बगीचे में अंडा दिया, तो वर्मा जी कहाँ से बीच में आ गए? हमको लगा कि वर्मा सब बहुत है, हो सकता है उधर ही दिया हो। हम गुप्ता जी को दे देंगे। गुप्ता जी का अंडा हुआ कि अंडा गुप्ता जी का हुआ, उसके लिए चाहे फट्टा चले। बहुत ही सही जवाब। अंडा मुर्गी का हुआ, शर्मा जी और गुप्ता जी का नहीं। दूसरा सवाल है, एक आदमी को गंजा होने में 11 रुपए का खर्च आता है, यानी कि बाल छिलवाने में 11 रुपए का खर्च आता है, तो 11 गंजों को गंजा होने में कितना रुपए का खर्च आएगा? कैसा से 121 रुपया लगेगा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबू। कैसे? 11 लग रहा है तो 11 ही लगेगा ना सबको। काफी ना बोले 11x11। एक आदमी 11 रुपया पड़ता है तो प्रत्येक आदमी को 11 रुपया लगेगा ना। 11x11 कर दिए। क्या जवाब होगा सर? क्या जवाब होगा सर? 21। 11x21 कैसे? 11x11। वो खुद ही गंजे हैं तो कायला उसका खर्चा आएगा यार। अरे वाह वाह, 11 रुपया का। कैसे? नॉर्मली बात है, सब अपना अपना 11 रुपया देगा। ये थोड़ी है कि आदमी का सब पैसा देगा। वही सवाल जवाब मेरा सेम जवाब है। गलत जवाब है आप लोगों का। फिर से सवाल सुनिए, एक आदमी को बाल छिलवाने में यानी गंजा होने में 11 रुपए का खर्च आता है, 11 गंजों को गंजा होने में कुल कितने रुपए का खर्च आएगा? आप तो गंजे चले। 35 रुपया। कितना रुपया? 0 पैसा। कैसे? 0 रुपया। कैसे? कितना रुपया? 11 रुपये। कैसे? यानी एक आदमी पे 1 रुपया? नहीं। कैसे? 11x11। हाँ, 0। कैसे? 11। आप जो बता रहे हैं 11 आदमी तो ऑलरेडी गंजा है, तो उसको क्या खर्च आएगा? वाह वाह, बहुत सटीक जवाब। और तीसरा सवाल है, आपका ऐसा क्या है जो आपसे ज्यादा कोई दूसरा इस्तेमाल करता है? पीयूष जी, ऐसा क्या है जो दूसरा इस्तेमाल करता है? आपका ऐसा क्या है जो आपसे ज्यादा कोई दूसरा इस्तेमाल कर लेता है? क्या पता है? अभिषेक जी, थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में। कुछ भी जवाब देना है फटाफट। कुछ प्राइज मनी है? नहीं पता भाई। Not getting it. वक्त मेरी बुद्धि का। कैसे? क्योंकि हम दूसरे का सहयोग करते हैं। वो हारमोनियम ढोलक तो हमारा रोज लोग बजाते हैं। नहीं नहीं, हारमोनियम ढोलक सही जवाब नहीं है। हमारा नाम ही ऐसा है जो सब हर दिन लोग रटवे करता है। अरे वाह, मेरा नाम है। आपका नाम? मोहम्मद आलम। बहुत सटीक जवाब। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी। क्या है? क्या है? क्या
आपका नाम? ऐसा क्या दिमाग में चल रहा है? मैं बस कर नहीं है। चलिए सभी आप बताइए। रजनीगंधा यार रहता है मेरे पास, खा जाता है अमरदीप पा बचा बचा के रखता है, दूसरे खाता है। गजब बेइज्जती है। गाड़ी गाड़ी कैसे? आपकी गाड़ी आपसे ज्यादा कोई दूसरा कैसे इस्तेमाल कर सकता है यार? मांग मांग के लिए ज्यादा साइकिल मेरा लगा रहता है, बताए वो नहीं करता लेके चल जाता है। सही जवाब। नहीं नहीं ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब बताया हम। सही जवाब है नाम। आपके नाम का इस्तेमाल आपसे ज्यादा दूसरे लोग करते हैं। सही जवाब। मेरा जवाब भी सब सही है। मेरा पुर्जा खाता रह के सब। चलिए ये आप लोग आपसी विवाद है, इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। चलिए आज की वीडियो यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल जीपीजी रॉकर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही घंटा का बटन जरूर दबाएं, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, रॉकर्स को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक करें।